हेलो फ्रेंड्स, इस थर्ड वीडियो में आज हम ये देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उनकी वैल्यूज 180 डिग्री, 270, 360 के लिए कैसे मिलती हैं, ये आपको सीखना है। आपको ऑलरेडी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए साइन कॉस टेन की वैल्यूज क्या होती है आप ऑलरेडी जानते हैं फ्रॉम क्लास 10। लेकिन अगर एंगल 90 से बड़ा हो जाए, जैसे कि 180, 270 और 360, तो इन एंगल्स पे साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, इस वीडियो में आपको यह समझना है। आगे वाले वीडियोस में हम और भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में खाली ये समझेंगे कि 90 के जो मल्टीपल्स हैं 0, 90, 180, 270, 360, इन पर आपको साइन और कॉस की वैल्यूज कैसे याद रखनी है, वैल्यू क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। तो इस बात को समझने के लिए इन 90 के मल्टीपल जो एंगल्स हैं 0, 90, 180, 270, 360, इन पर साइन कॉस की वैल्यूज क्या आने वाली हैं, इसको समझने के लिए पहले आप एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई। पहले आप एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। अब आप क्या करिए, इसको सेंटर मान के, ओरिजिन को सेंटर मान के, और वन यूनिट का रेडियस लेकर के, वन यूनिट कैन बी वन सेंटीमीटर, वन मीटर, वन फुट, व्हाटएवर, वन यूनिट का रेडियस लेकर के आप ऐसे सर्कल बना लीजिए। वन यूनिट का रेडियस लेकर आप ऐसे एक सर्कल बना लीजिए, यहां पे राउंडर का पॉइंट रखिए, रेडियस खींचिए वन का और ऐसे एक सर्कल बना लीजिए। तो मैं आपके लिए सर्कल बनाता हूं इस तरह से, ये सर्कल हो गया, इसका रेडियस कितना है वन यूनिट, दैट वन यूनिट कैन बी वन सेंटीमीटर, वन मीटर, वन फुट, व्हाटएवर यू वांट। तो वन यूनिट का रेडियस लेके हमने एक सर्कल बना लिया अप्रोक्सीमेटली। इस सर्कल ने जहां पर एक्स और वाई से जो कट किया है उनके पॉइंट के नाम लिख लेते हैं। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया ए डैश, ये हो गया बी और ये हो गया बी डैश। ऐसे मुझे चार पॉइंट मिल गए। ये चार पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप आप नोट्स बनाते जाइए। देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये डिस्टेंस वन है, ये ओरिजिन है मेरे पास, ये ओरिजिन है, ये रेडियस वन है। तो ए पॉइंट ओरिजिन से वन के डिस्टेंस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, वन जीरो, आपको पता है ना, एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही रहेगा और ये ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है वन, मैंने वन यूनिट का रेडियस लेके सर्कल बनाया हुआ है। तो ए वन जीरो हो गया। बी वाई एक्सिस का पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो हो ही जाएगा और ये डिस्टेंस वन है मेरे पास, रेडियस ऑफ सर्कल, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए जीरो वन। ए डैश पॉइंट एक्स एक्सिस पर है नेगेटिव साइड पर, ये डिस्टेंस वन है तो ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस वन जीरो, ये बात है माइनस वन, क्योंकि नेगेटिव साइड पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो। बी डैश वाई एक्सिस पर है लेकिन नेगेटिव साइड पर, ये डिस्टेंस वन, पॉइंट वाई एक्सिस का है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, डिस्टेंस वन है फ्रॉम ओरिजिन तो ये हो गया माइनस वन। इस तरह से मैंने ए ए डैश बी बी डैश के कोऑर्डिनेट समझे क्या होंगे। तो ए पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो, ए डैश भी एक्स पर है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो सबसे पहले, बी वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, बी डैश भी वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। ये डिस्टेंस वन तो वन जीरो, ये डिस्टेंस वन लेफ्ट साइड पे नेगेटिव पे तो माइनस वन जीरो, बी पॉइंट पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, ये डिस्टेंस वन है तो जीरो वन हो गया, ये डिस्टेंस भी वन है रेडियस ऑफ सर्कल तो ये हो गया जीरो माइनस वन, नेगेटिव साइड पे तो माइनस वन। इस तरह से हम इन चार मेन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। सबसे पहले क्या किया, एक्सिस ड्रॉ की, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश मार्क किया, फिर हमने ओरिजिन को सेंटर लेके वन यूनिट लेकर के हमने एक सर्कल बना लिया। इस सर्कल ने जहां पर एक्सिस को कट किया उसके चारों पॉइंट्स लिख लिए, ए बी ए डैश बी डैश, और फिर उनके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लिए। इतना काम करने के बाद आप बच्चों याद रखेंगे छोटी छोटी ट्रिक्स ताकि आपको याद रह सके। ये सब बातें डिटेल में तो आप सीखेंगे ही जब मैथ्स पढ़ेंगे आप, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, बायो वाले तो कभी मैथ्स नहीं पढ़ने वाले हैं, तो वो छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखें। देखो बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट से मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी और वाई कोऑर्डिनेट से मुझे साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी, याद रखें। किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मुझे कॉस थीटा की वैल्यू देगा और किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मुझे साइन थीटा की वैल्यू देगा। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर थीटा जीरो डिग्री होगा, थीटा विल बी जीरो डिग्री ओवर हियर, यहां पे थीटा 90 डिग्री होगा, यहां पर थीटा 180 डिग्री होगा, आपको पता है।
यहां पे थीटा 270 डिग्री होगा और यहां पे थीटा 360 डिग्री भी होगा, आपको मालूम है। यहां पे थीटा माइनस 90 भी होगा, ये भी आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। यहां पे थीटा मेरे पास माइनस 180 डिग्री भी होगा, यहां पे थीटा माइनस 270 डिग्री भी होगा और यहां पे थीटा माइनस 360 डिग्री भी होगा। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वीडियो नंबर 2 में। एंगल्स कैसे मिलते हैं आपको समझाया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल तो एंगल बढ़ता जाएगा। यहां पे 0 है, फिर ये 90 हो गया, फिर ये 180, फिर ये 270 और ये 360। क्लॉकवाइज एंगल तो नेगेटिव होगा, 0 माइनस 90 माइनस 180 माइनस 270 माइनस 360, ऐसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, एक्सिस ड्रॉ की, सर्कल ड्रॉ किया 1 इंच रेडियस का, पॉइंट्स A'B'B' मार्क किए, उनके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए और फिर यहां पर एंगल की वैल्यू क्या है वो भी लिख लिया आपने। अब देखो बच्चों यहां पर एंगल कितना है, 0 डिग्री। इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर एंगल कितना है, 0 डिग्री। एक्स कोऑर्डिनेट से मुझे कॉस थीटा मिलेगा, यानी ये कॉस थीटा की वैल्यू है, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा की वैल्यू है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है कॉस थीटा की वैल्यू और ये वाई कोऑर्डिनेट है साइन थीटा की वैल्यू। ए पॉइंट पर एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री विल बी 1, साइन 0 डिग्री विल बी 0। फिर से देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट से कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट से साइन थीटा, इससे मुझे कॉस थीटा मिलेगा, इससे मुझे साइन थीटा मिलेगा। यहां पर थीटा कितना है देखिए, ए पॉइंट पर 0 डिग्री है, तो कॉस 0 1 हुआ, साइन 0 0 हुआ। फिर से देख लेते हैं, ये कॉस थीटा की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा की वैल्यू, तो ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है। यहां पर थीटा कितना है, 0, तो कॉस 0 1 हुआ, साइन 0 0 हुआ। ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, थीटा यहां पे कितना है, 90 डिग्री, तो कॉस 90 0, साइन 90 1। ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, थीटा यहां पर कितना है, 90 डिग्री, आप देख सकते हैं बी पॉइंट पर, तो कॉस 90 0 और साइन 90 1। ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, यहां पे थीटा कितना है, 180, तो कॉस 180 माइनस 1, साइन 180 0। कॉस थीटा साइन थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा, थीटा यहां पे कितना है, 180, तो कॉस 180 माइनस 1, साइन 180 0। 0 माइनस 1, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, यहां पर एंगल कितना है, 270, कॉस 270 0, साइन 270 माइनस 1, कॉस थीटा साइन थीटा, यहां पर एंगल कितना है, 360 डिग्री भी है, 0 भी है 360 भी है, तो कॉस 360 1, साइन 360 0। यहां पर एंगल माइनस 360 भी है, तो कॉस माइनस 360 डिग्री 1, साइन माइनस 360 डिग्री 0। ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, थीटा आप 0 ले सकते हैं, 360 ले सकते हैं, माइनस 360 ले सकते हैं। तो अगर ये एंगल लिया तो कॉस माइनस 360 1, साइन माइनस 360 डिग्री 0। यहां पर एंगल आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, तो कॉस माइनस 270 0, साइन माइनस 270 1, कॉस 90 0, साइन 90 1। यहां पर एंगल आप ये ले सकते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस माइनस 180 माइनस 1, साइन माइनस 180 0। यहां पर आप एंगल ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, तो कॉस माइनस 90 0, साइन माइनस 90 माइनस 1। इस तरह से बातें हुई। तो इस तरह से बच्चों 90 के जो मल्टीपल्स हैं पॉजिटिव या नेगेटिव में, 0 प्लस माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 180 प्लस माइनस, 270 प्लस में और 270 माइनस में, 360 माइनस एंड प्लस, 90 के जो मल्टीपल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में, वहां पर साइन और कॉस की वैल्यू क्या होगी आपको लर्न बाय हार्ट नहीं करनी है। जो आप 10 तक करते थे आपको लर्न बाय हार्ट नहीं करनी है, आपको इस सर्कल की मदद से वैल्यू याद रखनी है। अब मान लीजिए देखो हम ट्राई करते हैं, मैंने आपसे कहा साइन 180 कितना होगा, साइन 180 कितना होगा, तो पहले आप 180 डिग्री पे पहुंचिए, ये रहा 180, मैंने आपको साइन 180 पूछा, तो
तो यहां पर जो पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट देखिए, क्योंकि साइन मींस वाई कोऑर्डिनेट, साइन मींस वाई कोऑर्डिनेट। मैंने आपको बोला साइन 180 डिग्री कितना होगा, तो पहले आप 180 डिग्री पे पहुंचो। 180 डिग्री कहां दिख रहा है आपको, 180 डिग्री कहां दिख रहा है हमको, ये रहा 180 डिग्री, ये वाला पॉइंट। साइन 180, साइन मतलब वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ, जीरो, तो साइन 180 जीरो। मैंने आपको बोला कॉस माइनस 90 कितना होगा, कॉस माइनस 90 कितना होगा, तो माइनस 90 ढूंढिए पहले कहां पर है माइनस 90, ये प्लस 90 है, ये रहा माइनस 90, इसका पॉइंट ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स ये रहे। कॉस माइनस 90, कॉस माइनस 90 मतलब मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, कॉस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, तो कॉस माइनस 90 जीरो। साइन 180 कितना, कॉस 360 कितना होगा, कॉस 360, तो मैंने सोचूंगा 360 कहां पर है, ये रहा 360, 360 पर पॉइंट ये रहा। cos 360, cos मतलब x, x कोऑर्डिनेट, तो cos 360 वन होगा। cos माइनस 270 कितना होगा, cos माइनस 270 कितना होगा, तो पहले माइनस 270 ढूंढिए, ये प्लस 270 है, ये रहा माइनस 270, इस एंगल का पॉइंट ये रहा। मैंने आपको कहा cos माइनस 270, cos मतलब x कोऑर्डिनेट, तो cos माइनस 270 जीरो। इस तरह से बच्चों आपको ये फिगर ध्यान में रख के आपको वैल्यू समझनी है, याद नहीं करनी है, लर्न बाय हार्ट नहीं करनी है, इस सर्कल को ध्यान में रखना है, एंगल्स को ध्यान में रखना है, और आपको वैल्यूज को समझना है। होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी इस वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।